इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। देखो ये ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, ट्रेजेक्ट्री होती है पाथ। तो मेरा प्रोजेक्टाइल कैसे पाथ कवर कर रहा है, ये पाथ कवर कर रहा है। मुझे क्या बनानी है इसकी इक्वेशन। अब ये इक्वेशन क्या होती है, जैसे सपोज करो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और एक लाइन 45 डिग्री पे यहाँ जा रही है, ठीक। तो आपको सबको पता है कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, चेंज होंगे, है ना। तो यहाँ से यहाँ जाने में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एंड सो ऑन। तो अगर मैं कहूँ कि इस लाइन की इक्वेशन बोलो, तो लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू वाई। तो मैं अगर ये पूछूँ इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है, आप बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। ट्रेजेक्ट्री का मतलब पाथ क्या है, आप क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। तो ट्रेजेक्ट्री इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन है और ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू वाई। ये क्या शो करती है, ये शो करती है कि अगर मैं आपको ये इक्वेशन दे दूं और आपको एक ग्राफ पेपर दे दूं, तो आप एक्स और वाई में एक्स की वैल्यूज पुट करके कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज निकाल के यहां प्लॉट करके, तो ग्राफ ये बनेगा। ये क्यों होता है, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन ये शो होता है कि अगर आप एक्स और वाई की कुछ पॉइंट्स लो, उनके प्लॉटिंग करो, तो ये ग्राफ शो होगा, क्लियर है। अब मैं यही चीज किस में करना चाहता हूं, पैराबोला की। तो मैं चाहता हूं कि आप इसकी इक्वेशन मुझे बताएं क्या होगी, क्यों, क्योंकि यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे हर जगह एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, चेंज। और मुझे एक इक्वेशन बनानी है जिसमें एक्स और वाई बीच में आते हो, ताकि मैं वाई की वैल्यू पुट करूं तो एक्स आ जाए, एक्स की वैल्यू पुट करूं तो कॉरस्पॉन्डिंग वाई आ जाए। समझ में आ रहा है हम क्या निकालने जा रहे हैं, इस पाथ की इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। और अगर आप उस इक्वेशन में आप प्लॉटिंग करें ग्राफ पेपर लेके एक्स और वाई, तो आपका ग्राफ पैराबोला ऐसा ही बनेगा। इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसको करने के लिए सपोज एक फिर से वी वेलोसिटी से एक बॉडी इनिशियली चली, मेकिंग एन एंगल ऑफ व्हाट, थीटा। इसके दो कॉम्पोनेंट है, वी कॉस थीटा, वी साइन थीटा। मान लो अभी बॉडी रास्ते में है और अभी टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंची नहीं, पहले ही मैंने कोई कोऑर्डिनेट ले लिया एक्स कॉमा वाई, तो इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट पर बॉडी अगर टी टाइम में पहुंची, तो इसने हाइट कितनी कवर कर ली, वाई, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, एक्स, वाई एक्स। तो ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है यहां तक। तो ये बताएं कि ये पॉइंट पर टाइम टेकन अगर टी है, तो ये टाइम टाइम ऑफ एसेंट से कम होगा, बराबर होगा या ज्यादा होगा। टी टाइम टाइम ऑफ एसेंट से कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट होता है मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का टाइम। पर मेरी बॉडी अभी मैक्सिमम हाइट पर नहीं पहुंची, अभी कहीं नीचे पहुंची है, तो ये टाइम कितना लिया जाएगा, टी। तो टी इज लेस देन टी वन। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो टी की वैल्यू इज लेस देन टी वन, क्लियर। तो अब एक काम करते हैं, आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं यहां से यहां टी टाइम में पहुंच रहा हूं, या एक प्रोजेक्टाइल टी टाइम में पहुंच रही है, तो उसने कितने डिस्टेंसेस कवर किए साइमल्टेनियसली, एक्स एंड वाई। और अगर मैं ये कहूं मुझे एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन किस एक्सिस में लगेगी, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में इक्वेशन लगाते हुए वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, और वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, वी कॉस थीटा। तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी वी कॉस थीटा। तो टाइम यहां से यहां पहुंचने में टाइम टेकन कितना है, टी। तो आप अप्लाई करें एस इज इक्वल टू वी टी, तो एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा इंटू टी, क्लियर है यहां तक। तो यहां से टाइम की वैल्यू आ गई। अब एक काम करें, मुझे वाई निकाल के दें। अब वाई निकालने के लिए एक्सिस किस में रखा जाएगा, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वी साइन थीटा। यहां से यहां आने में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, वाई। टाइम टेकन कितना है, टी। एक्सेलरेशन कितनी है, माइनस जी। ऊपर जा रही है बॉडी, माइनस जी। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी वाई में कितनी है, वी साइन थीटा। एक्सेलरेशन कितनी है, माइनस जी। टाइम कितना है, टी। तो वाई में लगा दो एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है, वाई। वेलोसिटी कितनी है, वी साइन थीटा। टाइम टी। एक्सेलरेशन माइनस जी टी स्क्वायर। अब एक काम करो, टाइम हम निकाल चुके हैं, इस टाइम की इक्वेशन को यहां से निकाल के यहां और यहां पुट कर दो। ये पुट कर दिया, टाइम पुट कर दिया यहां पे,
इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो इक्वेशन बनी ये बनी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जिसमें एक्स और वाई का रिलेशन आ गया।